In today's video, we are going to be discussing the second phylum of animal kingdom, that is phylum Cnidaria. हम निडेरियंस का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं. निडेरियंस इनको बोलते क्यों हैं? इनको निडेरियंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं. उन स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम है नीडोसाइट्स. इस वजह से इनको निडेरियंस बोलते हैं. बॉडी शोज रेडियल सिमेट्री एंड इज डिप्लोब्लास्टिक. सिमेट्री की अगर बात की जाए तो रेडियल सिमेट्री होती है और डिप्लोब्लास्टिक है, यानी दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. सैक-लाइक इंटरनल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है और उसकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है, माउथ. उसकी कोई जो है ओपनिंग नहीं है एक्सक्रीजन के लिए, तो इसका मतलब इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है. द माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स. माउथ टेंटिकल्स से सराउंडेड है. They are entirely aquatic, mainly marine and few found in fresh water. Basically, ये aquatic habitats में रहते हैं, लेकिन mainly जो होता है ना marine होता है, मतलब salted water में रहते हैं, लेकिन कुछ जो है वो fresh water के अंदर भी रह रहे हैं. Characteristics discuss करें अगर cnidarians के, तो most species are sessile, example hydra, others are free living and motile, example jellyfish, and some are colonial, example ubilia. तो different तरह के जो है ना इनकी motilities हैं या वो हैं. तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो कुछ सेसाइल है, मतलब उनके अंदर जीरो मूवमेंट शो कर रहे हैं, वो कौन सी होगी. हाइड्रा की एग्जांपल ली जाए तो उनके अंदर कोई मोटिलिटी नहीं है. जो बाकी हैं वो फ्री लिविंग हैं और वो मोटिलिटी भी शो करेंगे. जो फ्री लिविंग है ना वो हमेशा मोटिलिटी शो करेंगे. यहाँ पे निडेरियंस में इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी जेलीफिश एंड सम आर कॉलोनियल, कुछ कॉलोनीज फॉर्म करते हैं. इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ओबिलिया. रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू फ्यू मिलीमीटर्स लॉन्ग. They are carnivores and feed upon small organisms. ये important बात है कि ये carnivores होते हैं और ये small organisms के ऊपर feed करते हैं. Diffusion is responsible for excretion and transportation. Excretion के लिए मैंने आपको बताया कि कोई जो है ना specific organs present नहीं है, तो excretion किसके through होगी, diffusion के through होगी और transportation भी diffusion के through होगी. स्केलेटन की अगर बात की जाए तो इनका एक हार्ड एक्सोस्केलेटन होगा. एक्सोस्केलेटन का क्या मतलब है, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमीट्स. दोनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो रही हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी. सेक्सुअल हमें पता है कि गैमीट्स की फॉर्मेशन से होती है और एसेक्सुअल इनके अंदर बडिंग के थ्रू होगी. इनकी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं. इंपॉर्टेंस में सबसे पहले हमने कोरल रीफ्स का बताना है कि कोरल रीफ्स प्रोटेक्ट करते हैं शोर्स को फ्रॉम इरोजन बाय टाइडल वेव्स. टाइडल वेव्स जो बेसिकली वेव्स आ रही होती हैं सी के साथ, टाइड के साथ. टाइड का मतलब होता है विंड के साथ आ रही हैं. तो जो वेव्स विंड के साथ आ रही होती हैं वो शोर्स के ऊपर इरोजन कराती हैं. तो जो कोरल रीफ्स हैं एक टाइप है निडेरियंस की, वो प्रेजेंट होते हैं, वो इरोजन से प्रिवेंट करते हैं. Coral reefs are used in jewelry and ornaments. Jewelry और ornaments बनाने के लिए use होंगे. They are used in aquaria, rock gardens, etc. Aquaria मतलब aquariums में और rock gardens के अंदर use होते हैं. Cnidarians have poisonous stings. Example jellyfish and sea anemone. अब इनके जो stings हैं वो poisonous भी हैं. Jellyfish का sting poisonous है, sea anemone का sting poisonous है. Time to discuss the practice question. The statement of the practice question is, which of the following is a nutritive and reproductive zooid of the colony system of cnidarians? Cnidarians के colony system का nutritive zooid कौन सा है और reproductive zooid कौन सा है? A option is polyp and medusa, B option is medusa and polyp, C option is medusa form both zooids. इसका क्या मतलब है कि वो nutritive zooid भी medusa ही बना रहा है और reproductive zooids भी जो हैं वो medusa ही हैं. डी ऑप्शन इज पोलिप फॉर्म बोथ जॉइंट्स, यानी पोलिप आर बोथ न्यूट्रिटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव जॉइंट ऑफ द कॉलोनी सिस्टम. सॉल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन इज, करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज पोलिप एंड मेड्यूसा. करेक्ट ऑप्शन ए है जिसका आंसर में था पोलिप और मेड्यूसा. पोलिप बेसिकली हमारे पास न्यूट्रिटिव जॉइंट्स होते हैं, मेड्यूसा हमारे पास रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स होते हैं. Let's see a diagram of polyp or medusa ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी इमेज रह जाए इनकी. ये हमारे पास जो पिंक साइड पे है ये पोलिप है, ये न्यूट्रिटिव जॉइंट्स है. आप देख सकते हैं लॉन्ग स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इससे बाहर निकल रहे हैं इसके अपर एंड से. और ये मेड्यूसा है, मेड्यूसा के इंफीरियर सर्फेस से ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो ये इन दोनों में डिफरेंस होगा, पोलिप में और मेड्यूसा में. Another practice question is,
नर्व नेट एंड सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, कौन से फाइलम के अंदर नर्व नेट भी प्रेजेंट होते हैं और सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं? ए ऑप्शन इज फाइलम पोरीफेरा, बी ऑप्शन इज फाइलम निडेरिया, सी ऑप्शन इज फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड डी ऑप्शन इज फाइलम एनिलिडा. करेक्ट ऑप्शन इज फाइलम निडेरिया. फाइलम निडेरिया के अंदर जो है नर्व नेट भी प्रेजेंट होगा और सम सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे, और ये दोनों जो न्यूरॉन नेट है और सेंस ऑर्गन्स है ये उसका नर्वस सिस्टम बनाते हैं. होप टूडेज लेक्चर वॉज क्लियर. आपको फाइलम निडेरिया की समझ आ गई होगी. थैंक यू वेरी मच.